गुड आफ्टरनून एवरी वन, माई सेल्फ प्रियंका, असिस्टेंट प्रोफेसर इन नर्सिंग डिपार्टमेंट ऑफ RPMS. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कार्डियोजेनिक शॉक, इट्स स्टेजेस एंड नर्सिंग केयर एंड ट्रीटमेंट. एज आर इन प्रीवियस टॉपिक वी डिस्कस अबाउट द कार्डियोजेनिक शॉक, कि कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है. तो मैंने पहले भी आपको बता दिया कि कार्डियोजेनिक शॉक जब हर्ट अनेबल होता है टू पम्प आउट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल ओवर द बॉडी पार्ट्स डिस्पाइट एडिक्वेट इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम, सो इट अल्टीमेटम लीड्स टू द कार्डियोजेनिक शॉक. कारण भी बता दिए थे, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, अरिदमियास, कार्डियक टैम्पोनेड, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हार्ट फेलियर एंड इंजरी टू द चेस्ट. उसके बाद आते हैं इसके साइन सिम्टम, जैसे मैंने बता दिए थे, कन्फ्यूजन, टैकीपिनिया, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, क्रैकल्स, साउंड ऑलिग्यूरिया, स्लो कैपिलरी रीफिल, कूल एंड पेल स्किन. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेजेस. द स्टेजेस आर सब डिवाइडेड इनटू फाइव थिंग्स विच इज ए बी सी डी ई. ए फॉर एट रिस्क, बी फॉर बिगनिंग एंड सी फॉर क्लासिक एंड आफ्टर दैट डिटोरेटिंग एंड एक्सट्रीमिस. फर्स्ट है एट रिस्क. जब स्टार्टिंग होती है तो हार्ट डिजीज सच एज हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, बट नो साइन ऑफ शॉक. स्टार्टिंग में शॉक के साइन नहीं होते हैं. जब शुरू कार्डियोजेनिक शॉक शुरू स्टेजेस पे होता है तो सिर्फ हार्ट प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है और शॉक के ऐसा कोई साइन नहीं होता है. लो ब्लड प्रेशर होता है और हार्ट रेट. उसके बाद नीड फॉर मेडिसिन. क्लासिक में क्या होता है, जब क्लासिक स्टेज तक पहुँचता है then patient have to need for the medicines or devices to help get blood to organs. जब ये बिल्कुल deteriorating स्टेज पर पहुँच जाता है तो क्या होता है, not responding to medicines or devices or getting worse. last stage is extremis, जिसमें क्या होता है, either बंदे को cardiac arrest हो जाती है, that needs to CPR, ventilators and defibrillators. so these are the stages of कार्डियोजेनिक शॉक. सो नेक्स्ट इज द नर्सिंग केयर एंड ट्रीटमेंट. सो फर्स्टली फॉर द डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन वी हैव टू डू स्टैट EKG, दैट इज इकोकार्डियोग्राफी. नेक्स्ट वी हैव टू प्रोवाइड, बिकॉज नो ऑक्सीजन रिच ब्लड पासिस टू द बॉडी ऑर्गन, सो देर इज लेस ऑक्सीजन इन द बॉडी ऑर्गन्स. सो वी हैव टू प्रोवाइड O2 स्पोर्ट सप्लीमेंटेशन, O2 एंड इंटूबेट. इमीडिएट रीपरफ्यूजन्स. फर्स्ट मेडिकेशंस ऑप्शन आर डोपामिन, एपिनेफ्रिन, डोबोटामिन, बेसोप्रेसेंस, डायोरेटिक्स. नेक्स्ट इज हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग. वी ऑल्सो हैव टू डू हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग एंड वॉच फॉर द फ्लूड ओवरलोड, बिकॉज हर्ट डिडंट वर्क. एंड देन ट्रीट द कॉज, दैट इज CABG, वाल्व रिपेयर, LVAD एंड फ्लूड रिमूवल. So this is all about today's topic, and today's topic of cardiogenic shock is completed. So please, thank you so much. So please like, share, subscribe the channel of RPI Academics. Thank you.